यहाँ पे काफी संख्या में किसान भाई मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो लगभग 11 किस्त किसान भाइयों को मिल चुकी है। 2000 रुपये किस्त है जो, और 3 बार मिलती है साल में, तो 6000 रुपये जो किसान सम्मान निधि किसानों को मिलती है, वो हमारी कृषि विभाग की एक अच्छी स्कीम है, जिसमें लगभग पलवल जिला से 82000 किसान रजिस्टर्ड है, और 11वीं किस्त लगभग 60000 किसानों को मिली है। अब केंद्र सरकार ने एक हिदायत जारी कर दी है, जो भी किसान भाई अपने खाते की ईकेवाईसी करवाएगा, अपना खाता अपडेट करवाएगा, उसको ही आगे 12वीं किस्त जारी की जाएगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आपके गांव के लगभग 55 से 60 किसान अभी बाकी हैं, जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवा रखी है। मैंने दोपहर में मेरा स्टाफ भेज दिया था, 2 बजे शायद आपके गांव में अनाउंसमेंट भी हुई थी, तो 1 या 2 दिन मेरे डिपार्टमेंट के लोग यहां पे लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का खाता अपडेट किया जा सके और किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि टाइम से मिल सके। दूसरा, जैसा आपको पता है कि पानी की बड़ी समस्या है, इस समस्या को देखते हुए हमारे कृषि विभाग ने एक स्कीम शुरू की है कि धान को छोड़कर अन्य दाल वाली फसलें या मक्का लगाना है, उस किसान को 7000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी, जिसमें कपास फसल भी शामिल है। तो अभी पोर्टल खुला हुआ है, जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो किसान भाई अपनी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि 15 अगस्त के आसपास जो वेरिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा की जाएगी, उसमें आपको 7000 रुपये पर एकड़ से अनुदान राशि मिल सके। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो 2016 से चल रही है, इसमें हमारे पास किसान भाइयों से शिकायत भी बहुत आती है कि मेरा बीमा नहीं मिला, मेरे को बीमे का क्लेम नहीं मिला, तो इसके लिए भी विभाग प्रयासरत है। जितने भी हमारे पास सीएम विंडो या शिकायत आती है, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100% ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी तक मामला जाता है। हम इस बीच में मीडिया है, आपकी समस्या को इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, उसके बाद उस समस्या का समाधान होता है, और इस स्कीम का समय समय पर प्रशासन द्वारा भी फीडबैक लिया जा रहा है और मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्लेम राशि मिल सके। इसके लिए खरीफ सीजन में अभी 4 फसलें इस एरिया के लिए शामिल की गई है, धान, मक्का, बाजरा, और इसके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। जिस भी किसान भाई ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवा रखा, क्योंकि पहले ये कंपलसरी होती थी लोनी के लिए, अब सरकार ने किसान की इच्छा पर छोड़ दिया कि किसान करवाना चाहता है तो करवा ले, यदि आपने नहीं करवाना तो भी बैंक में आपको रिटर्न में लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अपना बीमा नहीं करवाना चाहता। और जिस किसान भाई ने फसल का बीमा करवाना है, वो भी अपनी फसल की डिटेल बैंक में लिख कर दे दें, ताकि उसी हिसाब से आपकी फसल का प्रीमियम कट सके, क्योंकि जब आप लोन लेते हो, जब उसमें फसल और दर्शाई जाती है, और आज अब मौके पे आपने फसल और लगा रखी है, तो
कम से कम प्रीमियम उसी फसल का कटे, दूसरी का मत कटे या ज्यादा मत कटे। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन लिख के देनी है बैंक में वो लिख के जरूर दे दें, ताकि उसी हिसाब से इंश्योरेंस हो सके। जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग का इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, कई जगह पे तो एक दिन में 300-300 mm बारिश हो रही है और कहीं 5 mm भी नहीं है। और इसलिए मैं मंच के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा प्रीमियम है उस प्रीमियम को भर के अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं, ताकि कुछ भी प्राकृतिक जोखिम आता है तो उसमें आपको वो क्लेम मिल सके, आपकी फसल सुरक्षित मानी जाए। तीसरा, हमारे इस एरिया के लिए तो धान की सीधी बिजाई का इतना लक्ष्य हमारे डिपार्टमेंट ने नहीं दे रखा, लेकिन जो पैटी बेल्ट का एरिया है, अंबाड़ा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद, पानीपत, वहाँ किसान भाइयों ने धान की सीधी बिजाई शुरू कर दी है, जिसमें लगभग 30% पानी की बचत होती है और मेंटेनेंस का खर्चा बचता है, लेबर का खर्चा बचता है और जो उत्पादन है वो भी 19-21 बराबर है। अभी मैं डॉक्टर साहब से आते वक्त जिक्र कर रहा था कि हमारे किसान भाइयों ने यहाँ इतना रुझान धान की सीधी बिजाई में नहीं लिया, जबकि पंजाब क्षेत्र में इस एरिए के लिए या इस धान की सीधी बिजाई के लिए किसान बड़े उत्सुक हैं। हमारे यहाँ किसानों को 4,000 रुपये पर एकड़ धान की सीधी बिजाई के लिए दिया जाता है और पंजाब में मेरे ख्याल से लगभग 1500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिलते हैं, फिर भी वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सॉइल सैंपलिंग का अभियान भी चलाया जाता है, ताकि किसान भाई को पता चल सके मिट्टी की जांच करवाने पर, पानी की जांच करवाने पर भी हमारे खेत में क्या कमी है, उस कमी के हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दिया जाता है, ताकि उसी रिकमेंडेशन के आधार पर किसान भाई खाद का और दवाई का प्रयोग कर सकें और जिससे हमारी फसल की लागत भी कम होगी। और जैसा आपको पता है कि हमारा जो SBI बैंक है वो किसानों को काफ़ी मार्गदर्शन करता है। आज से बहुत साल पुराना बैंक आप नज़र उठा के देखें तो SBI है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि वो अपने नज़दीक जो भी SBI की ब्रांच है और हमारी स्कीमों से संबंधित जो भी काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि लें। और एक किसान भाई धान की कटाई के बाद फसल अवशेष जला देते हैं, आपका जिला NCR में पड़ता है और दिल्ली बिल्कुल नज़दीक है, NGT का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करूँगा कि फसल की कटाई के बाद वो अवशेष न जलाएं, बल्कि हमारे कृषि विभाग द्वारा इसके लिए कृषि उपकरण 40% 50% सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं और बहुत से किसान भाइयों ने यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोल रखे हैं, जिनके पास थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है या ये जो छोटे किसान भाई हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको ये किराए पर यंत्र दे सकते हैं। और इंडिविजुअल के लिए भी जिन किसान भाइयों ने कपास लगा रखी है उसके लिए भी स्प्रे पंप सब्सिडी पे आए हुए हैं, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप कृषि विभाग के टच में रहें, ताकि कोई भी समस्या हो उसका समाधान तुरंत मिल सके। आज का जो रात्रि चौपाल प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि एक SBI द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। जैसा आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब गांव विकसित होगा, जब हमारा किसान विकसित होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा।
आप पिछले 20 साल के हमारे कई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये टाइम देख रखा है, आज से 20-30 साल पहले क्या कुछ था और आज आपके एरिया में क्या कुछ है। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका सपना लेकर देखो आप कि आज हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया था, प्रॉपर्टी दे दी, जमीन दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। सभी किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घर जाके ये जरूर विचार करें, आपके पास कोठी है, जायदाद है, पैसे हैं, एफडी है, सब कुछ है, लेकिन आने वाले टाइम में जब पानी नहीं होगा तो बच्चे इस धन दौलत का क्या करेंगे। अभी ज्यादा बुरा टाइम नहीं आया, हमारे किसान भाई सचेत हो जाएं, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि पानी बहुत ही बहुमूल्य है। आज से 30 साल पहले 20 साल पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पानी बोतल में बिका करेगा या पानी के पैसे लगा करेंगे, तो हम जब सुनते थे तो हमारे को बड़ी हैरानी होती थी कि पानी की कहाँ कमी है, पानी तो बहुत है। लेकिन आज आप देखते हैं गांव में जो दुकानें खुल रही हैं वहाँ भी 20-25 रुपए की पानी की बोतल बिसलरी की बिक रही है। एक किलो चावल उत्पादन के लिए कम से कम 3500 से 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है, तो आप सोच के देखो यदि मोल पानी धान में लगाना पड़ गया तो क्या तो धान उगाओगे और क्या प्रॉफिट लोगे। और पानी के बिना हमारी जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। और आप इस गांव के लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके आसपास काफी इंडस्ट्री भी लगी है, जमीनों के रेट भी बढ़ गए। तो मैं अंत में मेरे किसान भाइयों से एक निवेदन और करूंगा, ये जो निवेदन है इस प्रोग्राम से थोड़ा सा हटके है कि सभी किसान भाई मेरी उम्र के हैं जब मेरे से बड़े हैं, वो अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, क्योंकि हरियाणा का काफ़ी एरिया हमारा नशे की चपेट में है। छोटे छोटे बच्चे 10वीं 11वीं के आजकल नशा कर रहे हैं, और नशा करने के बाद आपको पता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी भी बिक जाती है और सेहत के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे और नशे के बारे में बताएंगे तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ हमारे पास है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाएं और नशे से दूर रखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के कार्यक्रम में सिर्फ स्टेट बैंक ही नहीं बल्कि हमने और भी जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ की भी उच्च अधिकारियों को, जैसे कि अभी आपने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर कृषि, नाबार्ड के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो सबके साथ एक के साथ रात्रि चौपाल किया, जहाँ पर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, कृषक भाई हैं, उनको बैंक की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जो कि शायद कभी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बैंक में जाकर समझने के लिए। सिर्फ बैंक की योजनाओं को नहीं बल्कि सरकारी योजनाएं भी जो हैं, जहां पर हमारी भारतीय स्टेट बैंक की सारी शाखाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, उन योजनाओं के बारे में भी बताया गया। जो अन्य सरकारी अधिकारी आए थे विभिन्न विभागों से, उन्होंने भी उन योजनाओं के बारे में बताया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप बैंक में जाइए और बैंक से सहयोग लीजिए। उसके अलावा जो सरकार की बहुत सारी और अन्य योजनाएँ हैं जिसको हम बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना, उन योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई, जो कि शायद मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। और एकदम सरल शब्दों में कि कितना रुपया पर मंथ पड़ेगा, कितना पैसा पर डे पड़ेगा, शायद ये उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो हम एक नॉर्मल कोर्स में बताते हैं कि 7% हुआ, उसको यहाँ पर बताया गया कि अगर KCC आप लेते हैं और अगर आप उसको नियमित तौर पर चलाते हैं तो कितना पैसा 40 पैसे पर मंथ पड़ता है, जो कि किसी भी अन्य संस्थान से लिए हुए, खासकर जो गांव में मैंने बात किया, लोग कह रहे हैं कि 2 रुपये पर सैकड़ा हम लोन लेते हैं, उसके हिसाब से किसी भी वित्तीय संस्थान, खासकर भारतीय स्टेट बैंक से आप लेते हैं तो 40 पैसे महीने पड़ता है। तो इस तरह से सारी जानकारी दिया गया। इसके अलावा
डिजिटल क्षेत्र में, खासकर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बहुत हो रही है, तो हम लोगों ने उनको इनके बारे में बताया, योनो कृषि के बारे में बताया, जो भारतीय स्टेट बैंक का एक ऐप है जहाँ पर किसान भाइयों के लिए बनाया गया, जिसमें विस्तृत जानकारी उनको मिल जाएगी, चाहे वो सॉइल के बारे में हो, चाहे वो वहाँ के जलवायु के बारे में हो। प्लस उस ऐप के थ्रू बहुत सारे आपको छूट भी मिलती है, जैसे अगर एग्रीकल्चर गोल्ड लोन कोई अगर आप मैनुअल रूप में आके लेता है और अगर कोई ऐप के थ्रू अप्लाई करता है, ऐप के थ्रू अगर अप्लाई करता है तो उसको अलग से उसके ऊपर छूट मिलती है, उनके बारे में बताया गया।